You know what would be simpler, Reva? मैं ना तुम्हें What are you doing? मंजू इससे कॉमर्स से दूर रहे, मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आयुष का दिमाग काम नहीं कर रहा है, पूछो इसे कि डैम सैंपल्स की बात किसने शुरू की थी। ओ, पैसे की बात किसने शुरू की? ये इस वक्त पैसे की बात क्यों शुरू हो गई? My God, such an ungrateful woman this Pixie. पहले तो मैं यार रोहन के बारे में पूछने आई थी, इसे मैं काम देती हूं ताकि ये चार पैसे कमा सके। 3 दिन की डेडलाइन थी, 10 दिन हो गए, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब तक मैं चुप बैठी हूं। अब रोहन हॉस्पिटल में है, ये काम कंप्लीट कैसे करेगी? 2 हफ्ते में मेरा फैशन शो है, काम कंप्लीट नहीं होने वाला। आई हैव नो चॉइस बट टू टेक द वर्क बैक। रेवा, तुम भी तो कुछ कम नहीं हो। पिक्सी इस वक्त कितना हाँ, मुझे बुरा बोलो, मैं हमेशा बुरी बन जाती हूँ क्योंकि मैं लोगों को जली कटी सुनाती हूँ, उनका फायदा उठाती हूँ। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है किसी के साथ? तब वो सही कहता था, मुझे हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहिए था। भला करने जाओ और गालियां सुनने को मिलती हैं। एहसान फरामोश कहेंगे। That's not true and you know it, Reva. Relax, Reva. Don't. इस वक्त पिक्सी का सोचो, उस पर क्या गुजर रही है? हाँ सोचो सोचो, सिर्फ पिक्सी के बारे में सोचो, रेवा के बारे में तो नहीं सोच सकते ना, क्योंकि रेवा तो एक डायन है ना, जो किसी का अच्छा सोच ही नहीं सकती। वो तो सबके जान के पीछे पड़ी रहती है, राइट? और तुम मंजू, तुम मेरे बारे में क्यों सोचोगी? तुम तो पिक्सी की दोस्त हो ना, उसके बारे में सोचोगी? वहां सबका सब सफेद और यहां पूरा का पूरा काला। Anyway, it's pointless explaining anything to any one of you. You all are anyway against me. नहीं रेवा, रिलैक्स। देखो, हम सब पर बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम गुजर रहा है। यू नो, वी शुड हेल्प ईच अदर। तुम पिक्सी को और पिक्सी तुम्हें। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स ना, वी हैव टू हेल्प ईच अदर। एंड पिक्सी, यू ऑल्सो काम डाउन। हाँ, मुश्किल समय सामना करने के लिए होता है और कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं। देखो, तुम रेवा को सॉरी बोलो। After all, she has been trying to help you, na? Please. I'm sorry, Reva. मुझे रोहन का बेहोश चेहरा ही नजर आता है इस वक्त, and I know that's no excuse, but I'm sorry. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. I really misbehaved. I'm sorry. No, Pixie. I misbehaved. देखो, मैं बाहर जैसे भी लगती हूँ ना, मुझे एहसास है एक माँ की चिंता का। I was only trying to help. I swear. अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, excuse me, but these damn deadlines are driving me crazy. I understand. It's okay. I'm sorry. आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ओके, बहुत हो गया। Enough of emotion now, हाँ? बहुत रो लिया। Come on, now, to be smile, okay? We are back to being friends, huh?